गाइस यार काफी दिनों से मैंने कोई एक्टिविटी की नहीं थी जिसके वजह से मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गया हूँ। इसलिए आज सुबह उठते ही मैंने योगा शुरू कर दिया। इससे मेरी बॉडी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। अब ये करने के बाद मैं करूंगा एक्सरसाइज। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो जो पंचिंग बैग दिख रहा है उस पर मैं अपने हाथ पैर चलाऊंगा। इससे मेरे पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं ये। ओ भाई साहब ये तो हिल ही नहीं रहा, काफी भारी है। 1 2 1 बहुत जल्दी थक रहा हूँ यार मैं। वैसे इसका एक और फायदा है, इस पर मैं पूरा गुस्सा उतार सकता हूँ। अरे यार अब किसका फोन आ रहा है, ये घंटी गलत टाइम पर ही बजती है। जल्दी से चेक करते हैं गाइस। टोनी। हेलो फ्रैंकलिन, तुम कहाँ पर हो? मैं एक्सरसाइज कर रहा था घर पर। बोल क्या हुआ? मैं तुम्हें एक लोकेशन दे रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर एक इमरजेंसी है। अरे पर हुआ क्या बताएगा? नहीं तुम पहले पहुँचो, मैं यहाँ पर आने के बाद ही बताऊंगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या मुसीबत है यार। चलो पहले जाके तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे नंगे पुंगे तो जा नहीं सकते ना। वैसे मैं पहनूं क्या? चलो जो मिलेगा पहन लूंगा। तो गाइस तैयार हम लोग हो चुके हैं, अब बारी है यहाँ से निकलने की। तो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं। वैसे शिनचैन यार अभी तक आया नहीं है, उसे बताऊंगा भी कैसे? आने के बाद समझ जाएगा कि मैं कहीं बाहर ही गया होऊंगा। अब जल्दी से गाड़ी को शुरू करते हैं। पता नहीं ऐसी भी क्या इमरजेंसी होगी जिसके लिए इतना अर्जेंट बुलाया है। एक तो ऊपर से वो फोन पे कुछ बताता भी नहीं है कि हुआ क्या है, हर बार हमें खुद ही पता करना पड़ता है। तो गाइस हम लोग दी हुई लोकेशन पर पहुंच गए। ये तो पोर्ट लग रहा है, पता नहीं यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। चलो गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और उतर के जाते हैं। वो रहा टोनी। गाइस ये ले भाई मैं आ गया हूँ। ओहो क्या बात है, यहाँ तो और भी बहुत सारे सुपर हीरो है, तुम सब लोग एक साथ यहाँ पर क्यों आए हो? लगता है कोई बड़ी गड़बड़ है। नहीं ये सब सुपर हीरो नहीं है, ये बस उनके सूट है और इन्हें यहाँ पर लाने का एक मकसद है। वैसे बता इनको यहाँ लाने का मकसद क्या है और मुझे बुलाने का मकसद क्या है, ऐसा क्या काम है? दरअसल गड़बड़ स्पेस में है और वो प्रीडेटर कर रहा है। वो वहाँ ऊपर एक मिसाइल तैयार कर रहा है जो वो अर्थ पर छोड़ने वाला है। इससे पहले उसकी मिसाइल तैयार हो जाए और वो अर्थ पर फायर करे, तुम्हें उसे जाकर रोकना होगा। अरे पागल हो गया, मैं कैसे रोकूंगा? इतने ऊपर जाना कोई खाने का काम है? उसकी चिंता तुम मत करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं ये सूट क्यों लेकर आया हूँ। यहाँ पर टोटल 5 सुपर हीरो के सूट है। अब तुम्हें इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है और वो सूट पहनना है, फिर उसकी मदद से वहाँ ऊपर तक पहुँचना है। अबे यार क्या मगजमारी है। देखो गाइस यह सूट तो 5 है पर बैटमैन और कैप्टन अमेरिका किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनमें वो वाली पावर नहीं है। उसके बाद बचे ये 3 जिसमें से फ्लैश स्पीड भाग सकता है, पर इतनी बड़ी जंप मारने का तो कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद बचे ये दोनों जन, और इनमें से स्पाइडरमैन का सूट हमारे काम का है क्योंकि वो जंप वगैरह मारने में माहिर है। तो एक काम करते हैं गाइस, वही सूट पहन लेते हैं, जाते हैं जल्दी से। और ये देख स्पाइडरमैन के सूट की मदद से मैं जंप तो कर सकता हूँ पर इतनी बड़ी जंप भी नहीं कर सकता कि वहां तक पहुंच जाऊं। तुम्हें इसके जंप पॉइंट बढ़ाने होंगे, जितने जंप पॉइंट होंगे उतना ही अच्छा अपग्रेड मिलेगा और तुम उतनी ही बड़ी जंप कर पाओगे। अच्छा ठीक है चलो मैं चलता हूँ फिर। गाइस फटाफट जाते, पहले तो देखते हम लोग कितनी बड़ी जंप मार सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेलर है, इसके ऊपर से जंप मारते हैं। और ये अबे नहीं मुँह गया। पहले तो इसके नीचे से निकलना होगा, घसड़ के। देखो गाइस मुझे थोड़ा जोर लगाना होगा क्योंकि अभी तक हम लोग इतनी बड़ी जंप नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। अब जाते हैं भाग के। किस पर से जंप करूं? एक काम करता हूं, यहां पर एक गाड़ी है इसके ऊपर से जंप करता हूं। और ये मैं चला। चलो इतनी बड़ी जंप तो कर सकता हूं कम से कम। और इसके हमें पॉइंट्स भी मिल गए, इस जंप के हमें मिले हैं पूरे 50 पॉइंट्स। क्या बात है, मुझे लगता है मुझे जंप मारते रहना होगा ताकि मेरे पॉइंट्स बढ़ सके। चलो यहाँ पर कुछ लोग खड़े, इनके ऊपर से जंप मार के देखते हैं। और ये मैं चला। ओहो इस बार 100 पॉइंट्स मिले, क्या बात है यार गाइस। चलो आप कुछ ज्यादा बड़ा ट्राई करते हैं। गाइस यहाँ पर एक ट्रेलर सके हुए, इस बार देखते हैं जंप करके। और मैंने कर लिया। हो अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए यार। अब हमारे पास टोटल हो चुके हैं 500 पॉइंट्स। एक मिनट ये क्या हो रहा है? हमें एक अपग्रेड मिल गया 500 पॉइंट्स पे, पर ये भी काफी बेसिक लेवल का ही लग रहा है। कोई बात नहीं, हम जंप कर करके अपने पॉइंट्स और बढ़ाएंगे और लेवल भी, जिससे हमारा सूट अपग्रेड होगा। और ये मैच चला। ओ भाई साहब, गाइस यार क्या बात है, सीधे ही 500 पॉइंट्स मिल गए। जंप भी तो बड़ी थी। देखो मुझे यार शिप पर जंप करना है, पर यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकता, इतनी ऊंचाई पर मुझे नहीं लगता मैं पहुंच पाऊंगा। एक काम करते हैं, उससे पहले छोटी छोटी चीजों पर ट्राई करते हैं ताकि हमारा लेवल बढ़ सके, उसके बाद उस पर जाएंगे। भागो 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 भागो, यहाँ कंटेनर्स रखे हुए हैं, इनके ऊपर जंप कर सकते हैं। हो भाई साहब क्या पॉइंट्स बढ़ रहे हैं गाइस मेरे। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इतनी बड़ी जंप कर ली है तो अब मुझे लगता है मैं शिप पर भी जा ही सकता हूँ। तो ये मैं चला, काफी बड़ी जंप और गिरने वाले। आउच
आओ, कोई बात नहीं, इस बार भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिले यार। क्या बात है गाइस, अब हमारे पास हो चुके हैं पूरे 10,000 पॉइंट्स। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओहो, एक और अपग्रेड। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब गाइस यहाँ से निकलना चाहिए। देखो मेरे पास एक आइडिया है, पहले जरा यहाँ से नीचे उतर जाओ। ओहो, देखो गाइस, हम लोग इस शिप पर से है ना सीधा उस साइड जंप कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा दूर से भाग के आना चाहिए। यहाँ से सीधे करूंगा तो गिरने का चांस रहेगा। चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये जगह काफी रहेगी। अब जाते हैं भाग के और देखते हैं कि हम लोग जंप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये मैं चला। ओ पहुंचा पहुंचा पहुंचा। नहीं नहीं गाइस, हम लोग पानी में गए। ओ जल्दी से बाहर आना पड़ेगा। अबे यार मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, चलो चलो चलो। अबे यार ये तो फेल हो गया, इसके काफी कम पॉइंट्स मिले हमें, पर कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी थी गाइस। चलो अब जाते हैं भाग के। कहाँ पर जंप करे? यहाँ पर ये मशीन वगैरह लगी हुई है, केबिन बने हुए, इनके ऊपर जंप करते हैं और ये मैं पहुंच गया। क्या बात है यार, अभी पॉइंट्स थोड़े ज्यादा ज्यादा मिल रहे हैं। चलो इस पाइप के ऊपर जंप करते हैं। पहुंच जाना पहुंच जाना पहुंच जाना। पहुंच गए एकदम किनारे पे और ये मैं चला। ओ आराम से आराम से आराम से। वो पाइप पे कूदने के भी हमें 10,000 पॉइंट्स मिले थे। मुझे लगता है नेक्स्ट अपग्रेड हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। देखो गाइस यहाँ पर ये ट्रेन चल रही है, अगर मैं इसके ऊपर से जंप कर लूँ तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलो चलते हैं और ये भाई साहब पहुंच गए। अब हमारे पास हो चुके हैं पूरे 50,000 जंप पॉइंट्स। तो गाइस देखते हैं इसमें कौन सा अपग्रेड मिलता है। तो 1, 2, 3 से पहले ही अपग्रेड हो गए और ये सूट काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। व्हाइट ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है गाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। अब कैसे भी करके मुझे उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। तो चलो जाते हैं, शुरुआत करेंगे यहाँ से और ये सीधा ही क्रॉस दूसरे बिल्डिंग पर पहुंचते पहुंचते रह गए, सॉरी दूसरे घर के छत पर। बिल्डिंग्स तो यहाँ ही नहीं। अब फटाफट भागो 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 भागो, इसके ऊपर से ट्राई करते हैं सीधा टेरेस पर। पॉइंट्स बढ़ते ही जा रहे गाइस हमारे घपाघप। चलो चलो चलो, एक काम करते हैं, पानी के टंकी पर पहुंच तो नहीं पाएंगे, बीच में गिरने वाले। ओ, ओ, क्या पेट में लगी है। छोड़ो, हमें कैसे भी करके पहाड़ पर पहुंचना है, पर जंप कर करके इस बार काफी बड़ी जंप। और क्या पॉइंट्स बड़े हैं गाइस, सीधे ही 20,000 पॉइंट्स मिल गए। अबे नहीं 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 नहीं, पैर फिसल गया पैर फिसल गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी भी काफी लंबा रास्ता बाकी है गाइस। अगर हमने ये क्रॉस कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। अरे यार पहुंच जाना दूसरी पहाड़ी की चोटी पर और ये मैं पहुंच गया। हमारी जंप पहले से काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी है। चलो चलो भाग भाग के भाग भाग के, एक तो पैर दुखने आ गए मेरे कूद कूद के, पर कुछ नहीं कर सकते। एक बस जंप ही सहारा है जिसकी मदद से बहुत जल्दी पहुंच सकता हूँ। मुझे लगता है मैंने आधा पहाड़ तो क्रॉस कर ही दिया होगा, या फिर उससे थोड़ा ही कम, पर आधे के आसपास हूँ मैं। चलो अब जंप लगा के उस साइड जाना है और ये मैं चला। बूम गाइस, क्या बात है यार, और ये पहुंच गए। हम लोग काफी कमाल कर रहे हैं गाइस, हर जंप के कम से कम हमें 10,000, 5,000 और 15,000 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे हैं, जिससे हमारा गैप काफी जल्दी भर रहा है, पर अभी भी दिल्ली काफी दूर है। तो चलो अब बारी है फिर से जंप करने की और ये अबे यार कभी कभी तो बीच में डर लगने लगता है कि यहाँ से गिर गया तो क्या घसीटा जाऊंगा मैं। ये हुई ना बात, भागो 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 और ये चला। एक ही बार में मैं पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंच गया, उससे ज्यादा ही पहुंचा हूँ, बस यहाँ पर लैंडिंग अच्छे से हो जाए। गाइस यार क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो 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 चलो, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही चुके हैं। तो अब यहाँ से जंप करके जाऊँ या भाग के? एक काम करता हूँ, जंप करके ही जाता हूँ और ये आप लोग देख रहे हो मेरे पूरे 1,00,000 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। तो जल्दी से चेक करते हैं इसमें कौन सा सूट मिलेगा और बूम, वो काफी तगड़ा लग रहा है यार, मजा आ गया ये सूट देख के। अब इसके ऊपर कहाँ जंप करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, इसका फोन आ रहा है। टोनी बोल। फ्रैंकलिन, मुझे पता चला है कि तुम माउंट चिलियाट पर पहुँच गए हो। हाँ पर तुझे कैसे पता? मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। चल इतना पता चल गया है तो एक मदद कर दे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर कहाँ जाऊँ। मैंने आसमान में बहुत सारे ऑब्स्टिकल लगा के रखे है, तुम उन पर जंप करके जा सकते हो। ओके ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो चलो गाइस जल्दी से जाके देखते हैं कहाँ पर है वो सारे ऑब्जेक्ट्स। ओ वहाँ पर देखो वो रहा पहला। भाई साहब हमें काफी बड़ी जंप लगानी पड़ेगी गाइस, पहले तो यहाँ से नीचे उतर के थोड़ा सा आगे जाना होगा, एकदम किनारे से जंप लगाएंगे गाइस और ये मैं चला। पहुंच जा प्लीज पहुंच जा। और चलो पहले ऑब्जेक्ट पर तो आ चुके हैं, अब दूसरा वाला कार्ड ढूंढना पड़ेगा, वो रहा दिख गया मुझे। तो चलो गाइस जब दिख गया है तो जाते सीधी जंप लगाते हैं। पहुंच जाना भाई, पहुंच गए। क्या धना धन पॉइंट्स बढ़ रहे हैं यार मेरे, देख के मजा ही आ गया। चलो अब बारी है वहां पर जाने की। तो ये मैं चला। भाई साहब गाइस क्या बात है, थोड़ा सा बाउंस हो गया मैं, वो तो होना ही था।
इतनी ऊंचाई से आऊंगा तो यही होगा। अब चलो बढ़ते हैं आगे। और ये मैं चला ऑब्जेक्ट के काफी ऊपर आ गए थे हम लोग, पर कोई बात नहीं, अच्छे से लैंड कर गए। गाइस यार मजा आ गया। अब देखो वहां ऊपर एक और है, वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे। और ये मैंने जंप कर ली, पहुंच के जाएंगे, हम लोग काफी ऊपर आ गए थे। ओ भाई साहब, ओ इस प्लेटफॉर्म पर तो आग लगी हुई है, ये काफी तप रहा है, पर मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, शायद इस सूट की वजह से होगा ऐसा। तो गाइज अब मेरे पूरे 1 मिलियन पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। ओ ये क्या हो रहा है, एक और अपग्रेड। ये पहले वाले सूट जैसा थोड़ा कॉम्बिनेशन है, ब्लैक व्हाइट रेड, पर ये उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो अब बारी है सीधा स्पेस में जाके उसे हराने की। ओ हम लोग उड़ भी सकते हैं, क्या बात है यार। मुझे तो लगा था बड़ी सी जंप लगानी पड़ेगी, पर इस सूट के साथ कमाल हो गया। अब पहले तो जाकर उसे ढूंढना होगा। तो गाइज हम लोग स्पेस में पहुंच गए हैं और मुझे जो पावर सोर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस जगह से। भाई साहब इसने तो यहाँ पर पूरा लैंड ही खड़ा कर दिया है। और वो रही मिसाइल, आखिरकार हमें मिली गई, इसका मतलब वो भी यही कहीं होना चाहिए। अबे प्रीडेटर के बच्चे हिम्मत है तो जल्दी से नीचे आ, तेरा प्लान सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा मैं, हिम्मत है तो आके पहले मुझे हरा। ये किसकी आवाज थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ कैसे पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है, मुझे उसे जाकर खत्म करना होगा वरना वो मेरे प्लान की ऐसी की तैसी कर देगा। जल्दी से नीचे उतरता हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। वो रहा, अब मैं देखता हूँ वो कैसे बचता है। तुमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे और तुम्हें बचाने कोई नहीं आ पाएगा। वैसे तेरी बात तो सही है कि यहाँ तक कोई आ तो नहीं पाएगा, पर वो तेरे पे लागू होती है। लगता है तुम्हारा मुंह बंद करवाना पड़ेगा, अब तैयार हो जाओ। तेरी तो मैं तेरे को तैयार होना चाहिए था, मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ, तू मेरे लिए नहीं हो। टांग गई। मैंने तो एक डांस स्टेप कर लिया यहाँ पर। चलो खैर कोई बात नहीं, अब इसे थोड़ा नचाते हैं, अगर ये मुझे छोड़े तो। ओहो, क्या बाउंस किया है यार, तेरी तो यहाँ पर आ, ये खा, कैसी लगी लात, ये ले और ये खा। ओ भाई साहब अब तो मैं क्या पंच पड़ा है। अबे यार ये भी कम नहीं है, वैसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, शायद इसलिए यहाँ पर मिसाइल बना रहा है। चलो अब इसकी पुंगी बजाते हैं, जाओ मेरे ड्रोन्स, देखते हैं कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। और गाइस वो हो चुका है ढेर, क्या फिसलते हुए नीचे जा रहा है। तो चलो गाइस वो तो गया, अब बारी है इस मिसाइल की, हमें इसे भी खत्म करना तो हो गई। अब लगाते हैं अपनी पूरी पावर, पूरी तरीके से ब्लास्ट करना होगा गाइस, ये किसी काम की नहीं होनी चाहिए, अगर फट भी गई तो स्पेस में ही फटेगी। चलो इसका काम तो तमाम हो चुका, अब ये मिसाइल किसी काम की नहीं है। तो गाइस हमने तो अपना टास्क पूरा कर लिया है, अब आपकी बारी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।